दोस्तों, आप जब भी मथुरा वृंदावन गए होंगे बांके बिहारी जी के दर्शन और द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि हर गली के नुक्कड़ पर कचौड़ी आलू की सब्जी के खोमचे या दुकानें हैं। वहाँ बहुत भीड़ भी होती है क्योंकि वहाँ का बहुत ही फेवरेट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है जो आपको हर जगह मिल जाएगा। आज हम उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से, जो कि आप झटपट से आधे घंटे की तैयारी के साथ में आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए है उड़द की दाल, इसको मैंने अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। ये 200 ग्राम दाल है। अब इस दाल को हम पीसेंगे, क्योंकि हम भिगो के नहीं बना रहे हैं, हम कम टाइम में तैयारी कर रहे हैं। इसको मैंने मिक्सी के जार में डाला है। अब इसका हम एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरापन रहना चाहिए। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें हींग, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ, अमचूर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी और गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्ची और कुटी हुई अदरक। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये सूखा मसाले का पाउडर तैयार हो गया है। अब इसमें हम पानी डाल करके इसको एक पेस्ट बनाएंगे, लेकिन गाढ़ा। दाल को हम भिगो नहीं रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं जो झटपट से तैयार हो जाता है। आप चाहें तो हरी मिर्च और अदरक को स्किप करके आप इस पाउडर को बना के फ्रिज में रख दीजिए, जब भी बनाना हो निकालिए और बना लीजिए। अब इसे हम 20 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड। इतने हम आटा तैयार करते हैं, इसके लिए हमने 1 कप आटा, 1/4 कप सूजी और 3/4 कप मैदा डाल दिया है। नमक डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और अजवाइन, अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। इसमें डालेंगे मोयन 1/4 कप, घी का मोयन दे रहे हैं। मथुरा में कचौड़ी जो बनती है उसमें घी का मोयन दिया जाता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, अच्छी सी मुट्ठी बन जानी चाहिए आपकी। ये हमारे आटे का मोयन बिल्कुल ठीक है। अब इसे हम एक बढ़िया सा डो बनाएंगे, जो बहुत टाइट भी नहीं होगा और पतला भी नहीं होगा, बिल्कुल मीडियम। कचौड़ी बनाते समय आपका मोयन अच्छा होगा और आप घी का लगाएंगे तो आपकी कचौड़ियाँ फूली हुई और कुरकुरी बनेंगी। आप घी की जगह वैसे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा डो तैयार हो गया है, इसको हम 15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। देखते हैं हमारी दाल, देखिए टाइट हो गई है बिल्कुल, यानी कि दाल ने पानी सोख कर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी हम और मिलाएंगे और हरा धनिया मिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। बहुत सूखी दाल है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी और मिलाया है। एक अच्छी सी पिट्ठी तैयार कर रहे हैं हम दाल की। मिक्स हो गया है अच्छी तरह से, इसको हम 10 मिनट के लिए और रख देंगे। अब ये हमारी पिट्ठी बिल्कुल तैयार होगी। इतने हम सब्जी बनाते हैं। सब्जी के लिए हम 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं कढ़ाई में। मथुरा में जो आलू की सब्जी बनती है वो लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है, जिसकी वजह से कलर काला आता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आलू की सब्जी के लिए हम सबसे पहले बेसन को भून रहे हैं। बेसन भून गया है, देखिए इसको हम निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई हमारी गर्म ही है, इसमें डाल रहे हैं ऑयल। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप और भी कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डाल रहे हैं जीरा और हींग। जीरा हमारा भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ज़्यादा डलता है, 3 चम्मच डाला है मैंने,
काली मिर्च, गरम मसाला और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। भूनेंगे मसाले को अच्छी तरह हम, लेकिन ध्यान रखें हमें जलाना नहीं है बिल्कुल भी, गैस चाहे तो बंद कर दीजिए। और इसमें हमने डाल दिया है बेसन भी, बेसन के साथ मसाले को भून रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। गैस मैंने अभी बंद करी हुई है ताकि हमारा कुछ भी जले नहीं। सब कुछ भुन गया है, अब इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्ची और अदरक। इसको भी भून लेते हैं, गैस ऑन कर दिया मैंने 20 से 30 सेकंड। अब डाल रहे हैं इसमें हम पानी। शुरू में जब हम पानी डालेंगे तो हमें थोड़ा चलाते रहना है क्योंकि बेसन तली में चिपक जाता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। जितनी आपको पतली बनानी है सब्जी उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। अब डाल रहे हैं हम उबले हुए आलू, ये मैंने मैश कर दिए हैं, बहुत बारीक नहीं किए हैं। इस तरह से मैंने आलू को मैश कर लिया था और इस पानी के अंदर डाल दिया है। अब डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब डाल रहे हैं इसमें हम क्रश किया हुआ कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इस सब्जी को हम उबालेंगे और उबालने में कम से कम 15-20 मिनट का हम टाइम ज़रूर देंगे, क्योंकि सब्जी को जितना अच्छा आप खदकाएंगे उतनी अच्छी सब्जी बनेगी, बिल्कुल टेस्ट वहीं का आएगा मथुरा वृंदावन का, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जाने के लिए। दर्शन करेंगे उसके बाद हमने एक कचौड़ी सब्जी खानी है, बिल्कुल वैसी ही सब्जी बना रहे हैं। देखिए कलर भी कितना अच्छा हो गया है। अब इसमें डाल रहे हैं हम अमचूर पाउडर और हरा धनिया। सब्जी हमारी पहले ही उबल चुकी थी, तैयार हो चुकी थी, अमचूर पाउडर हमने बिल्कुल लास्ट में डाला है और 2 मिनट खदकाएंगे सिर्फ। लीजिए हमारी मथुरा वृंदावन वाली आलू की सब्जी, जिसे झोल भी कहते हैं और डूबने वाली सब्जी भी कहते हैं। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है और एक छौंक तैयार करते हैं ऊपर से डालने के लिए, जिसमें मैंने घी का यूज़ किया है। और डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। जलाना नहीं है, बस गैस ऑफ कर दी और हमारा छौंक तैयार हो गया। इससे खुशबू भी अच्छी आ रही है और साथ में कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और ऊपर से हरा धनिया। लीजिए बिल्कुल तैयार हमारी मथुरा वृंदावन की बहुत ही फेमस आलू की सब्जी। अब हम बनाएंगे कचौड़ी। आटा हमारा फूल चुका है, इसको एक सा कर लेंगे। इसको और थोड़ा मार रहे हैं ताकि हमारा जो आटा थोड़ा बहुत भी फटा सा हो वो एक सा हो जाए, चिकनापन आ जाए। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमने 3 पार्ट में बाँट लिया है और लोच दे रहे हैं हथेलियों से, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके हम पीस काट लेते हैं बिल्कुल जैसी हमें लोइयाँ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। इसको हम गोल गोल पेड़े बनाएंगे। सारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं और देखिए हमारी पिट्ठी भी बिल्कुल तैयार है। आपने देखा होगा पिट्ठी हमारी आधे घंटे के अंदर तैयार हो गई है। एक बार हमने 15 मिनट के लिए रखा था, फिर उसको चेक किया था, फिर एक बार दोबारा से हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था। पिट्ठी बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, पानी नहीं है हाथ में आना चाहिए, लेकिन बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। हम इसके जैसी हमारी कचौड़ी का साइज है उससे आधे साइज में छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे ताकि भरने में हमको आसानी रहे। सब तैयार हो गया है हमारा। अब हम कचौड़ियाँ भरेंगे। हमने लोई उठाई और साइड्स के कॉर्नर हमने दबाए, पतले कर लिए इनको हमने, और बीच में हम रखेंगे पिट्ठी जो हमने पेड़ा बनाया था उड़द की दाल का मसाले वाला, उस पिट्ठी को हमने बीच में रखा है। मैं आराम से दिखा रही हूँ आपको। यदि हमारी बहुत अच्छी सी ये पिट्ठी ढंग से भरी गई तो हमारी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, फटेंगी नहीं। देखिए हमने इसको कवर कर दिया है। अब इसको मैं हथेली से बढ़ाऊँगी,
आप चाहें तो बेलन से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ गया है, बस इससे ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बेलन से यदि आप बढ़ाते हैं तो बहुत आराम से, बहुत हल्के हाथ से, जैसे पूरी में हम थोड़ा सा टाइट हाथ चलाते हैं, लेकिन इसमें हमको हल्का हाथ चलाना है। और दिखाती हूँ मैं आपको, दूसरी भी भर रहे हैं, बड़े आराम से धीरे धीरे अंदर कर रहे हैं। दाल की कचौड़ी बनाने का ये फ़ायदा होता है कि ये फटती बहुत कम है, लेकिन हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इसे भिगोना है, फिर भूनना है। आज हम वो रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसमें आपको ना भूनना पड़ा, ना आपको दाल को ज़्यादा देर भिगोना पड़ा। आप चाहें तो सूखा मसाला दाल में डाल के इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, जब भी आपका मन करे आप अपनी कचौड़ियाँ तैयार कर लीजिए। मार्केट भी में भी मिलता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। आप घर में बना करके पाउडर रख सकते हैं। ये पेड़ा बड़ा था तो मैंने लोई के अकॉर्डिंग ही इसको फिल किया है। इस तरह से बंद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आराम से हाथ से बढ़ जाती है और हमारा आटा भी बहुत अच्छा मड़ा हुआ है तो फट भी नहीं रही है। हमने ये कुछ बेल के रख ली है हथेली से। एक सा कर लिया है ताकि ऐसा ना हो हमारे कोने मोटे हो जाएं और बीच में पतला हो जाए। ऑयल भी हमारा बिल्कुल तैयार है, लेकिन ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें इस चीज़ का। और गैस हमारी स्लो ही रहेगी। जब भी आप चेक करेंगे तो एक टुकड़ा डाल लीजिए, और यदि वो एकदम आराम से ऊपर नहीं आता है तो समझिए आपका ऑयल तैयार है। सिकने देंगे इसको हम, तब हम धीरे धीरे पलटेंगे। हमें ये कुरकुरी बनानी है तो हमें ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है, गैस हमें तेज नहीं करनी है, क्योंकि गैस तेज करने से क्या होगा, आपकी ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। कचौड़ियों को हम बार बार पलट रहे हैं, देखिए कलर चेंज होने लगा है, लेकिन अभी ये और सिकनी है। सारी हमने फिर पलट दी हैं। बहुत ही कुरकुरी तैयार होंगी ये कचौड़ियाँ जब सिक्के आएंगी, क्योंकि हमने बहुत पेशेंस के साथ बनाई है। आप इस तरह से कचौड़ी बनाएंगे तो आप हलवाई की कचौड़ी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि आप घर पे बना रहे हो, बहुत शुद्ध तरीके से बना रहे हो। लीजिए हमारी कचौड़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई हैं, बहुत ही करारी क्रिस्पी कचौड़ियाँ हैं। हम दूसरा घान भी डाल दिया है हमने, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सेकना है, बहुत ही आराम से गैस स्लो के साथ में। देखिए सिक चुके हैं हमारी कचौड़ियाँ फिर बिल्कुल तैयार। आपको मेरी रेसिपी दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आलू की सब्जी और उड़द की दाल की कचौड़ी मथुरा वृंदावन की बहुत ही फेमस रेसिपी है, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है क्योंकि मैंने बचपन में बहुत खाई है ये, और वही रेसिपी जो वहाँ के हलवाई यूज़ करते हैं आपके साथ शेयर करी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।